प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन और धारा 144 के तहत शराब बिक्री पूर्णतः पाबंदित है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर शराब बेची जा रही है। जयपुर की नरेना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। नरेना थाना पुलिस कर्मियों द्वारा राज्य सरकार के जारी दिशा निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में थाना क्षेत्रवासियों को कोरोना वायरस के संबंध में उनको समझाइश की जाकर अधिक से अधिक घर में रहें, बिना किसी विशेष कारण के घर से बाहर नहीं आए, इसकी समझाइश की जा रही है। वो इसी के तहत श्रीमान जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्री शंकर दत्त शर्मा के द्वारा चलाए जा रहे अभियान शराब माफियों के खिलाफ में आज कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को मैं 6 स्पेशल पार्टी छत्तीसगढ़ निर्मित शराब